संयुक्त मोर्चा के आह्वान के बाद कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाकर सौंपा गया। मालूम हो कि मध्य प्रदेश के सभी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा का गठन करते हुए अपनी मांगों को लेकर के संयुक्त रूप से सरकार के सामने मांगों को रखने के लिए आंदोलन शुरू किया है, जिसके तहत यह ज्ञापन सौंपा गया है तथा आगामी दिनों में बृहद आंदोलन की बात भी कही गई है। क्या ज्ञापन है, क्या मांगे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सर, सेंट्रल की प्रदेश का ये समझौता है, सेंट्रल की छुट्टी महंगाई होगी, बस वो प्रदेश शासन देने के लिए बात। सेंट्रल की सर 28% हो और हम लोगों की सर 12% 16% हम लोग पीछे चल रहे हैं, ये हमें तत्काल लिया है। नंबर 3, कर्मचारी अधिकारियों की पदोन्नति अतिशीघ्र प्रारंभ करते हुए सहायक शिक्षक एवं अध्यक्ष का पदनाम परिवर्तन किया जाए। मैडम सिरोडिया, मैडम आज हम सभी संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर। हमारा डीए पदोन्नति और महंगाई भत्ता जो हमारा रुका हुआ है वो हमें प्रदान किया जाए, क्योंकि हम कर्मचारी ही तो शासन की रीढ़ की हड्डी हैं। हम लोगों को हर जो भी सुविधाएं केंद्र में दी जाती हैं हम लोगों को कभी प्रदान नहीं की जाती। हम सभी को समान वेतन, समान अधिकार प्रदान किए जाएं। माननीय शिवराज सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि हम लोगों को अनदेखा ना किया जाए। कर्मचारी अपने परिवार छोड़कर अपने सारे कोरोना काल में सभी जनता की सेवा में और शासन की सेवा में निस्वार्थ भाव से दिन रात एक करके लगे रहे और चुनाव में भी पूरा तत्परता से सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए मेरा माननीय शिवराज सिंह जी से पुनः अनुरोध है कि हम सभी कर्मचारियों को मांगों को ध्यान में रखें और इन्हें पूरा किया जाए। धन्यवाद। किन मांगों को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के साथ अध्यापकों को भी जो वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते रोक रखा है, आज जबकि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों ने भी महंगी भत्ते को और वेतन वृद्धि को बहाल कर दिया है, ऐसे में मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की तरफ भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ये महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि को बहाल कर देना चाहिए। इसी मांग को लेकर अध्यापक संयुक्त मोर्चा के साथ अध्यापक संगठन के सभी पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है। इसके साथ ही हमारी जो अध्यापक संवर्ग की मुख्य मांग है कि हमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करते हुए ग्रेच्युटी, पेंशन और क्रमोन्नति का लाभ दिया, इसकी मांग पत्र भी हम माननीय मुख्यमंत्री को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। अपना ज्ञापन मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के आह्वान पर दमोह जिला के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कलेक्टर महोदय जी के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें अध्यापकों की विशेष समस्याएं हैं उनको उनके सामने हम लोग हाथ जोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम लोगों को जिस प्रकार के उनने कहा था कि हम प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, उन्होंने कहा था कि हम सहायक शिक्षक उसकी जगह पर उस श्रेणी शिक्षक और व्याख्याता बनाएंगे, परंतु उनने हम लोगों को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एक संवर्ग बना दिया। हम उनसे निवेदन करते हैं कि हम लोगों को मूल शिक्षा विभाग दिया जाए और नियुक्ति दिनांक से हम लोगों को भ्रष्टाचार दी जाए। आज मध्य प्रांतीय संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर दमोह जिला अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा आज 3 सूत्री कार्यक्रम जो जारी किया गया था प्रांत से, उसको लेकर आज पहला का चरण में 20 तारीख को आज माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम से माननीय कलेक्टर महोदय के लिए ज्ञापन सौंपा जा रहा है। 24 तारीख को माननीय सांसद महोदय और प्रभारी मंत्री और क्षेत्रीय विधायक के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा और दिनांक 29 तारीख को यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 29 तारीख को सामूहिक अवकाश पर समस्त कर्मचारी रहेंगे। इसमें सभी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त सभी संगठनों के द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें प्रमुख मांगें 4 हैं हमारी। सबसे पहली मांग है 2020 जुलाई की वेतन वृद्धि, 2021
की जुलाई की वेतन वृद्धि का लाभ तत्काल दिया जाए, 16% डीए जो कि केंद्र सरकार से हम लोग पीछे हैं वो तत्काल नगद भुगतान किया जाए, और अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति करते हुए सहायक शिक्षक और भृत्य का पद नाम परिवर्तन किया जाए और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। ऐसे चार मांगों को लेकर आज ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के नाम से सौंपा गया है। आज दमोह जिले के कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो हम शासन को भेजेंगे। उनकी विभिन्न मांगे हैं, उन मांगों के संबंध में शासन को पत्र लगा के साथ में भेजेंगे। क्या क्या मांग? उनकी वेतन वृद्धि से संबंधित है, कुछ विभागों के नाम परिवर्तन के संबंध में है, कुछ नियुक्तियों के संबंध में है। उनका ज्ञापन शासन स्तर से संबंधित है, शासन स्तर को आज ही भेज देंगे। इसमें सभी प्रकार के जिले के जितने भी कर्मचारी जिले स्तर के जो कर्मचारी हैं वो सभी लगभग हैं, यहाँ पे सभी विभागों से संबंधित हैं।